तो गाइस व्हाट इफ एपिसोड 3 पर हम आज अपने थॉट्स देने वाले, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो इस एपिसोड में हमें स्टोरी बताई जाती है कि एवेंजर फर्स्ट मूवी की, उसकी उल्टी स्टोरी बताई जाती है इस एपिसोड में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है निक फ्यूरी से और उसका डायलॉग होता है देयर वॉज एन आइडिया। तो जिन लोगों ने एवेंजर 2012 वाली मूवी देखी होगी तो ये उन सबको पता चल जाएगा कि एपिसोड की स्टोरी क्या होने वाली है। तो इस एपिसोड में निक फ्यूरी सब एवेंजर को एक साथ करना चाहता है लॉकी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो पर इस एपिसोड में स्टार्टिंग में ही आयरन मैन थॉर मर जाता है। कोई आयरन मैन और थॉर को मार देता है स्टार्टिंग के एपिसोड में। और फिर हमें ब्रूस द ब्रैनर दिखाया जाता है। वो अवेंजर्स वाला ब्रूस नहीं है, वो इनक्रेडिबल हल्क मूवी वाला ब्रूस है। और वो भी मर जाता है स्टार्टिंग के मूवी में। और ब्लैक विडो पता लगा लेती है कि किसने मारा आयरन मैन, थॉर और हल्क को। और जब वो निक फ्यूरी को बताने वाली होती है तभी वो भी मर जाती है इस एपिसोड में। और फिर एंट्री होती है लॉकी द गॉड ऑफ एस्गार्ड। तो वो वॉर डिक्लेयर कर देता अर्थ के खिलाफ क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका भाई मर गया है। और फिर निक फ्यूरी पता लगाता है कि मर्डर किसने किया था, आयरन मैन, ब्लैक विडो, थॉर और हल्क का। और निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि इन सबको मर्डर किया था हैंक पैम ने, जो हमें एंट मैन में दिखे थे। क्योंकि वो इन सब का मर्डर इसलिए करता है कि उसे लगता है कि उसकी वाइफ की मौत शील्ड की वजह से हुई है, पर उसकी वाइफ नहीं मरी होती। आप तो अगर आपने एंट मैन एंड द वस मूवी देखी होगी तो आपको पता हो गया कि उसकी वाइफ जिंदा होती है। वो टाइम ट्रेवल वाली वैन में फंस जाती है क्वांटम फिजिक्स में। तो फिर निक फ्यूरी और हैंक की फाइट होती है, बहुत अच्छे से फाइट करते हैं एक दूसरे इसके साथ। लॉकी निक फ्यूरी को बचा लेता है और निक फ्यूरी लॉकी को बोलता है कि तुम वापस कब जाओगे अर्थ छोड़ कर। लॉकी बोलता है मैं एक दिन में वापस चला जाऊंगा, पर आपको पता है लॉकी हमेशा झूठ बोलता है। और लॉकी फिर एक दिन में अपनी पावर और आर्मी यूज करके अर्थ के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेता है और एपिसोड खत्म। तो इस एपिसोड की बात करें तो एपिसोड बहुत अच्छा था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, साउंड और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा था। और आयरन मैन और ब्लैक विडो को वापस देख के दिल खुश हो गया। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो टू ऑल। और आप हमारा व्हाट इफ एपिसोड 2 का माय थॉट्स वीडियो देख सकते हैं, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।